बशीर बद्र साहब कहते हैं कि खुदा की जो कायनात है वो छुपे हुए ख्यालात का नाम है, और ये जो शायरी है या ये जो शायर हैं वो कुफ्रिया शायर हैं। पिछले एक वीडियो में जहाँ बशीर बद्र साहब की जो गज़लें हैं उसमें खुदा की जो महबूबियत है उसके हवाले से एक शेर था, सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा, सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। एक सामेय ने मुझे ताकीद की थी कि आप ऐसी शायरी से बचें, ये जो शायरी है या ये जो शायर हैं वो कुफ्रिया शायर हैं। तो इसका जवाब जानने से पहले हम शायरी की कुछ ख़ास बातें हैं उस पर गौर कर लेते हैं। तो शायरी जो होती है वो एक ख़याल से शुरू होती है, और वो ख़याल कुछ भी हो सकते हैं। दिन भर में बहुत सारे ख़याल आते हैं हमारे जहन में, तफरी करते रहते हैं, या फिर जो कुछ हम ख़ुद से सोचते हैं, तो ये एक ख़याल होता है। दूसरा ये है कि शायरी का एक मफहूम होता है। मिसाल के तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम करते हैं या फिर मुस्तकबिल में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो हम ये क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है हमारा। ठीक इसी तरह शायरी में भी कोई ना कोई मकसद होता है, कोई मंशा होता है या कोई टारगेट होता है, उसी को ही शायरी का मफहूम कहते हैं। अब जो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हैं उनका सबसे पहला काम क्या था, उनकी शायरी का असल मफहूम क्या था? उनका सबसे पहला काम था कि कदीम दौर और जदीद दौर में जो शायरी की जा रही थी या जो गज़ल कही जा रही थी उसका जो मुश्किल लहजा था, गज़ल को उससे आज़ाद करना था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो शायरी है वो हर किसी को समझ में आए, चाहे वो आम शख्स हो या कोई ख़ास अदब से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं रखता हो या शायरी से ताल्लुक़ रखता हो, तो हर किसी के समझ में आए ऐसी शायरी कहा जाए। क्योंकि शायर का असल मकसद ही तब पूरा होता है कि कोई पढ़ने वाला या सुनने वाला जो है उसे आसानी से शायरी समझ में आ जाए। और असल में शायरी है भी इसी का नाम कि उसमें तासुरात पैदा हों और वो सुनने वाले को लुभा जाए, मुतासिर कर दें, यही शायरी है। अब हम चलते हैं हमारे असल मकसद की तरफ। सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तो इसमें जो लफ्ज़ है पड़ा वो खुदा के लिए नहीं कहा गया है, ये जो खुदा की कायनात है जो चारों तरफ बिखरी पड़ी है उस कुदरत की तरफ इशारा किया है, उसके अंदर खुदा का जो नूर है, खुदा के जो जलवे हैं उसकी तरफ इशारा किया है, ना कि खुदा को ख़ुद इसमें बयान किया है कि खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो खुदा खुद नहीं है, खुदा के जो जलवे हैं, खुदा का जो नूर है उसमें इसकी बात की गई है। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, उसके ज़रिए से हम समझते हैं। उस नज़्म का उन्वान है रूह आर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। उसके चंद मिसरे यूँ हैं, खोल आँखें ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख। चूँकि ये एक नज़्म है, इसके अंदर खुदा के जो जलवे हैं, खुदा का जो नूर है वो किस तरह हमें दिखाई देता है, किन किन चीज़ों में दिखाई देता है, खुदा की जो ये कायनात है, ये कुदरत है जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन खुदा का जो नूर है उसे हम महसूस नहीं कर पाते। एक तरफ अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म के ज़रिए खुदा की जो कायनात है उसको खोल कर बयान किया है, और दूसरी तरफ डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने एक मिसरे में कह दिया कि खुदा जो है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। इस शेर में ख़याल जो है वो कब्र से शुरू हो रहा है, और असल में जो कब्र लफ्ज़ है उसका इस शेर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कब्र लफ्ज़ से छोटी जगह की तकलीफ़ दिखाकर ज़िंदगी की जो खूबसूरती है उसके बारे में बात कही जा रही है, और एक तरफ वो ज़िंदगी की शिकायत कर रहे हैं
और ज़िंदगी से कुछ मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, हुस्न मांग रहे हैं, या जो कुछ भी उनकी ख्वाहिश है उसको मांगा जा रहा है। आगे हमने बात की थी ख़याल की, कि जो शायरी जो होती है वो एक ख़याल से शुरू होती है। तो इसी तरह ये जो शेर है, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। तो इसमें शिकायत हो रही है और कब्र जो है उससे ख़याल जो है वो शुरू हो रहा है। तो कब्र से लेना देना नहीं है, बस एक छोटी जगह है वो दिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ ज़िंदगी की जो हकीकत है, कुछ खूबसूरती है, वो भी दिखाई जा रही है। एक पल की ज़िंदगी मुझे बेहद अजीज़ है, एक पल की ज़िंदगी मुझे बेहद अजीज़ है, पलकों पे झिल मिलाऊँगा और टूट जाऊँगा। इसका जो पहला मिसरा है उसमें ज़िंदगी को एक पल का कह रहे हैं, और एक पल का कहकर मुख्तसर जो ज़िंदगी है, यानी हमारी कम वक्त की ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो है वो हमेशा रहने वाली तो है नहीं, कभी ना कभी हमें फ़ना होना ही है, तो इसीलिए वो ज़िंदगी को जो है एक पल का कह रहे हैं, और यानी मुख्तसर ज़िंदगी जो है उसकी वो झलक दिखा रहे हैं। और दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि पलकों पे झिल मिलाऊंगा और टूट जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो हमें ज़िंदगी की जो महरूमियां हैं उससे बाहर निकाल रहे हैं और हमें जीना सिखा रहे हैं। हम अक्सर ज़िंदगी से शिकायत करते रहते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से जो है घबरा जाते हैं, तो कैसे वो हमें जीना सिखा रहे हैं शेर के ज़रिए, कि एक पल की ज़िंदगी भी अगर खुशगवार आपको मिल रही है तो आप उसका शुक्र अदा कीजिए। और मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, ख़याल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो किसी एक शख्स से मंसूब नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हमारे साथ रहने वाले, हर उठने बैठने वाले, बोलने वाले, सभी से वो है मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि खुदा की जो कायनात है वो छुपे हुए ख़यालात का नाम है, और शायरी जो है वो इससे पर्दा उठाती है। तो बार बार वो खुदा की जो कायनात है, उसका जो नूर है, उसके जो जलवे हैं, उसका जो कमाल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बशीर बद्र साहब एक कुफ़रिया शायर हैं, या उनकी जो शायरी है वो कुफ़रिया शायरी है? वो तो हर जगह या तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, या खुदा के जो जलवे हैं वो दिखा रहे हैं।